नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के दुदही बाजार में दर्दनाक हुआ हादसा, स्कूल वैन को ट्रेन ने मारी टक्कर, 18 बच्चों की हुई मौत। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, दो पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता की ग्रहण, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पायलट ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर पुलिस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद का आतंकी भी मारा गया, एक जवान और पुलिस हवलदार हुए शहीद। और ममता कुलकर्णी की संपत्ति होगी कुर्क, एनडीपीएस की विशेष अदालत ने दिया आदेश, ममता पर मादक पदार्थ तस्करी के हैं आरोप। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दुदही बाजार इलाके के पास मानव रहित क्रॉसिंग पर बच्चों से भरी स्कूल वैन ट्रेन की चपेट में आ गई। मैजिक में सवार अब तक 18 बच्चों की मौत की खबर का अनुमान है, हालांकि मौत की संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने 13 बच्चों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कम से कम 15 से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सहित परिजन भी घटना स्थल पहुंचे, जहां चारों तरफ पड़े नन्हे मुन्ने बच्चों की लाशों को देखकर चीख पुकार मच गई। मामला दुदही बाजार स्थित एक स्कूल के बच्चों को छोड़ने जा रही मैजिक वैन के ट्रेन के टकरा जाने का है, जिसमें लगभग 18 बच्चों की मौत हो गई। मैजिक वैन मानव रहित रेलवे फाटक को क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक एक पैसेंजर ट्रेन ने मैजिक वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चों की वैन के परखच्चे उड़ गए, उसमें सवार 18 बच्चों सहित ड्राइवर की भी मौत होना बताया गया है। घटना से नाराज भारी संख्या में ग्रामीणों ने रेल मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक बच्चों के परिजनों को 50 लाख और घायलों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। ग्रामीण लगातार रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। जानकारी के अनुसार टाटा मैजिक में कुल 20 बच्चे सवार थे। मानव रहित क्रॉसिंग क्रॉस करते समय थावे बढ़नी पैसेंजर ट्रेन सामने आ गई, उसी समय यह बड़ा हादसा सामने आया। इस घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना के तुरंत बाद ही सीएम योगी ने दुख जताते हुए अधिकारियों से तुरंत मदद करने को कहा, साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उधर पीएम मोदी ने भी हादसे की जानकारी मिलने पर दुख जताते हुए कहा कि बच्चों की मौत के बारे में सुनकर बेहद दुखी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरकार और रेलवे विभाग को उचित कार्यवाही करने का तुरंत निर्देश दिया। साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। मुझे उत्तर प्रदेश से एक दुखद समाचार मिले। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो हमारे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे थे, वो रेलवे से टकरा गए, काफी बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद समाचार मुझे यहाँ आते ही सब मिला, बहुत पीड़ा हुई। राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा में वापस आने के बाद अब कांग्रेस में भी 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने दोनों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भादरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सुरेश चौधरी और गंगापुर से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने दोनों पूर्व विधायकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों के साथ कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पायलट ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक वर्ग और आम आदमी भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है, इसलिए प्रदेश के लोगों का मन कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और सत्ता में आएगी। राजस्थान के 2 पूर्व विधायक
डॉक्टर सुरेश जी और अग्रवाल साहब आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सहर्ष इन दोनों पूर्व विधायकों का स्वागत करता हूं। इनके साथ जो पार्षद, पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधि आदि आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उससे निसंदेह कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाला समय आम व्यक्ति का है, किसान का है, नौजवान का है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, इस बात को सब लोग समझते हैं। और भाजपा ने जो धोखा दिया, जनता को त्रस्त किया, आज पूरी तरह वो बेनकाब हो चुके हैं। ये सच्चाई भी अब छिपी नहीं है। आज इन दोनों पूर्व विधायकों के शामिल होने से मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे लगता है कि हमारा कुंडवा परिवार और बढ़ेगा। जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, सब लोग इस बात को संज्ञान में रहेंगे कि भविष्य कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस के साथ बिना शर्त निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः इनका स्वागत करता हूँ, और 29 तारीख को नई दिल्ली में जो रैली हो रही है, आक्रोश रैली, उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ कर पूरे देश की जनता की आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर वहाँ से ललकारेंगे, केन की सरकार को चुनौती देंगे। और मैं समझता हूँ कि 29 अप्रैल से बीजेपी का जो पतन है वो और गति पकड़ेगा, और 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा में, राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, और निस्वार्थ भाव से बिना शर्त के कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस ही 36 कौमों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चल सकती है। धर्म राजनीति से परे हटकर हम लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, इस बात को जनता समझ चुकी है। देखिए, भारत सरकार ने पक्षपात किया है, ये बात पहली बार नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश में जो भेदभाव हुआ है, तमिलनाडु के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, और आज केंद्र सरकार के ही लोग अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी नीयत को प्रदर्शित करता है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। देश एक है, राष्ट्र एक है, हम सब बराबर के नागरिक हैं। ज़रूरत इस बात की सरकार ध्यान देकर गरीब किसानों की मदद करे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, और इस प्रकार के तथ्य अगर भारत सरकार दे रही है, तो आत्मचिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी। देखो, कांग्रेस मानसिकता के कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से। शुरू में SMS मेडिकल कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बाद में NSUI में आए, बाद में यूथ कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस में आए। 1993 में कांग्रेस की टिकट मिली, उस समय से ही कांग्रेसी विचारधारा के रहे हैं शुरू से, छात्र जीवन से ही। बीच में कुछ परिस्थितियां इस तरह की हुई, कार्यकर्ताओं के दबाव में 2003 में चुनाव लड़ना पड़ा, और आज खुशी है कि घर वापसी हुई है। और घर वापसी पे मेरे ख्याल में कितनी खुशी होती है, इसका शब्दों में बयान नहीं किया इसका। कोई शर्त रखी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, या कोई भविष्य कोई? प्यार शर्तों पे नहीं होता, इसमें कोई शर्त नहीं है। शर्त एक ही है, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी उसको वापस से स्थापित करने में हमारे नेता सचिन जी पायलट और हमारे नेता राहुल जी गांधी के जो भी दिशा निर्देश होंगे, उन निर्देशों की अक्षर से पालना करते हुए, और जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक रहा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धर्मनिरपेक्ष ताकतें, इन सबको एक करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए, और सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, यही एक हमारी शर्त। अब कांग्रेस के साथ बीच की परिस्थितियां अलग रही कि कार्यकर्ताओं के दबाव में जाना पड़ गया, या किसी वजह से चले गए, या उम्र कम थी, या और थी, जो भी था उस वजह से, लेकिन आप आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहे। कटवाने के लिए नहीं, मैंने कहा उसमें यह देखना कि कोई फर्जी मतदाता है क्या। जो सही मायने में मतदाता है उसको मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, और उसको मताधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, वो सही हमारा विरोधी हो। लेकिन चूंकि उस तरफ भी मैं कुछ दिन रहा हूँ, वहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको BLO को प्रोत्साहन दे के, BLO को अपने पक्ष में करके, और एक एक बूथ पे कम से कम 20-30-50 मतदाता तो इस तरह से जुड़वा हो, या एक मतदाता ऐसा लगे कि वो निश्चित रूप से विरोधी पार्टी को वोट देगा तो उसका वोट दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दो। जैसे आप एक पढ़ी लिखी कैटेगरी में हैं,
आपको एक बूथ पे गए वोट डालने, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप दफ्तर भी जाते हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, आपकी व्यापार की जिम्मेदारियां भी हैं, आप अपने पुराने बूथ पे वोट डालने गए, वहाँ आपका वोट नहीं मिला तो आप दूसरे बूथ पे अपना नाम नहीं ढूंढेंगे, आप बिना वोट डाले चले जाएंगे, तो वो भी एक सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ और वो भी एक षड्यंत्र करने वाली पार्टी को फायदा हुआ। तो इस तरह से रेड ग्रीन एंड येलो इसमें बांटने का मैंने बोला है बूथ पे, हर वोट को, हर घर को। जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा गुरुवार को की कार्यवाही में मारे गए चार आतंकवादियों में से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी था। जेईएम का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती यासीर आतंकवादी संगठन के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता था। राज्य के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा कि त्राल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुरू की गई संयुक्त कार्यवाही में मारे गए आतंकवादियों में जेईएम का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती यासीर भी था। गौरतलब है कि 8 घंटे चली मुठभेड़ में जेईएम के चार आतंकवादी मारे गए और साथ ही एक जवान और राज्य पुलिस का एक हवलदार शहीद हो गया। डीजीपी ने मारे गए आतंकवादी की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड की जिसमें वह जेईएम के संस्थापक मसूद अजहर के साथ खड़ा है। यह तस्वीर मीडिया ने कुछ सालों पहले पाकिस्तान में ली थी। अजहर को 1999 में जम्मू जिले के कोटबल वाल जेल से रिहा कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था, जहां उसे इंडियन एयरलाइंस को उड़ान संख्या IC 814 के बंधक बनाए गए 158 यात्रियों के बदले छोड़ दिया गया था। मुठभेड़ में मारे गए दो अन्य आतंकवादियों में शेख उमर और मुश्ताक अहमद जरगर भी थे, उन्हें भी यात्रियों को बंधक बनाए जाने के बदले छोड़ दिया गया था। मुंबई की एक अदालत ने ड्रग्स रैकेट मामले में बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साल 2016 में ठाणे पुलिस ने कई करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले एक मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें मुख्य आरोपियों में ममता कुलकर्णी का नाम शामिल था। NDPS की विशेष अदालत के न्यायाधीश HM पटवर्धन ने मादक पदार्थ गिरोह मामले में ममता कुलकर्णी के हाजिर नहीं होने के बाद पिछले सप्ताह अभिनेत्री के मुंबई के अलग अलग इलाकों में बने 3 आलीशान फ्लैट्स को कुर्क करने के आदेश दिए थे। ममता के इन 3 आलीशान फ्लैट्स की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई है। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हरेर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपील किए जाने के बाद अदालत ने कुलकर्णी की इन 3 संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए। अदालत ने 2000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ से जुड़े मामले में पेश नहीं होने के बाद कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुलकर्णी को 2 साल पहले मादक द्रव्य कारोबारी विक्की गोस्वामी से जुड़े इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि वह मादक पदार्थ कारोबार की अवैध गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ठाणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस समय कहा था कि पुलिस कुलकर्णी और गोस्वामी के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी है। बताया जाता है कि कुलकर्णी और गोस्वामी के बीच रिश्ता है और वे इस समय अफ्रीका में केन्या में रह रहे हैं। पिछले साल 6 जून को ठाणे अदालत ने गोस्वामी और कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अदालत से अभिनेत्री की संपत्तियों को कुर्क करने की अपील की थी। पुलिस ने अप्रैल 2016 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित एवान लाइफ साइंसेज लिमिटेड के परिसर में छापेमारी की थी, जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 18.5 टन इंफ्रेडिन जब्त की गई थी, जिसके बाद इस मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। जयपुर के व्यस्तम इलाके झोटवाड़ा में गुरुवार को लकड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग देखने के लिए झोटवाड़ा पुलिया पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस कारण यातायात बाधित हो गया। तेज गर्मी होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस को ट्रैफिक बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी में आया कि यह आगजनी झोटवाड़ा इलाके में दीप हॉस्पिटल के पास लकड़ी के गोदाम में हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। जानकारी के अनुसार लकड़ी के गोदाम में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें उठने लगी और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोदाम में सूखी लकड़ियां होने से आग ने तेजी पकड़ ली। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। इसके अलावा आग को देखने के लिए वाहन चालकों की भी भीड़ लग गई। इस कारण झोटवाड़ा में जाम की स्थिति बन गई। तेज गर्मी होने के कारण दोपहिया सहित अन्य वाहन चालकों को जाम में परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर कई दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अभी आग से हुए नुकसान के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इंटरनेट के माध्यम से ठगी का शिकार होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें खासतौर पर OLX के जरिए गाड़ियों को बेचने के लिए ग्राहक को बुलाकर लूटने के मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं। इस बार अलवर के कठुमर में
ओएलएक्स पर जेसीबी मशीन दिखाकर खरीदने आए लोगों से बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि देशी कट्टा दिखाकर 14 लाख और 3 मोबाइल लूट लिए। पीड़ित ने कठुमर थाने में मामला दर्ज कराया है। कठुमर थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार बदमाशों ने सोल्डा गांव बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी राजेश चौधरी को ओएलएक्स पर जेसीबी मशीन दिखाई और उसके बाद टेलीफोन से संपर्क किया और कहा कि उन्हें जेसीबी बेचनी है, जिस पर 14 लाख में सौदा तय हो गया। संदीप चौधरी बुधवार को अपने 3 साथियों ललित, अमित और संदीप चौधरी के साथ मेहंदीपुर बालाजी आए, जहां दर्शन किए। वहीं इस दौरान बदमाश उनसे संपर्क साधते रहे। बुधवार 12 बजे हरियाणा के चारों लोग अपनी निजी गाड़ी से जेसीबी मशीन खरीदने के लिए खेड़ली पहुंचे, तो वहां लुटेरों में से एक व्यक्ति जो अपना नाम अजय बता रहा था, वह उन्हें कानेटी और गारू के कच्चे रास्ते पर ले गया, जहां 3 बाइकों पर 3 बदमाश मिले। पहुंचते ही बदमाशों ने कैश के बारे में पूछा और मारपीट शुरू कर दी और देशी कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी और रिवॉल्वर दिखाकर एक थैले में रखे 15 लाख रुपए और चारों के मोबाइल सहित उनकी जेब में रखे पर्सों को भी लूट लिया और फरार हो गए। पीड़ित खेड़ली थाने पहुंचे और पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने मामला कठुमर थाने का कहकर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की और पीड़ितों को कठुमर थाने में भेज दिया। व्हाइट कलर की गन टाइम थी की और हमारे चारों के फायर, वो एक मोनू वहाँ गिर गया और हमारी गाड़ी चाबी लेकर फरार होकर खेत में चाबी फेंक दी। 100 नंबर पे कॉल किया हमने 5 बार, 100 नंबर पे किसी ने कॉल नहीं उठाया। हमारे सामने भी दिखाई दे रहे थे भागते हुए, लेकिन 100 नंबर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे। कितने बंदे थे वो? 7 बंदे थे, टोटल 7 बंदे थे। अगर खेड़ली थाना पुलिस पीड़ितों की समय पर सुनवाई करती तो शायद लुटेरे पुलिस गिरफ्त में आ सकते थे, लेकिन इस लापरवाही ने पुलिस की कार्यशैली पर फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नगर विकास न्यास की ओर से गुरुवार को करीब 71 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए गए। इस दौरान शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल सहित नगर विकास न्यास अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत और नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना मौजूद रहे। सबसे पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिमनास्टिक अखाड़े के लिए 26 लाख की लागत से 2 टीम शेडों के निर्माण का उद्घाटन किया गया, जहां खिलाड़ियों ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं करीब 10 लाख की लागत से एसएमडी विद्यालय में भी फुटपाथ और बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण के लिए कार्य का उद्घाटन किया गया। इसके बाद शहर के परशुराम सर्किल पर 34 लाख की लागत से बस में वाहिनी स्टैंड अप का शेल्टर निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। इस दौरान नगर विकास न्यास अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत ने कहा कि लगातार अलवर के विकास कार्यों के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में UIT के द्वारा बहुत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के खेल कूद के लिए और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज मिले, इसके लिए यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक तो पहलवानों के लिए मिट्टी का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिसकी तकरीबन लागत 7.5 लाख रुपए है। दूसरा जिमनास्ट के लिए, जो वो ओपन जिमनास्ट था उसको 3 सेट से कवर किया जाएगा और उस कार्य में तकरीबन लागत 12 लाख के आसपास है। इसके साथ ही यहाँ बालिका विद्यालय SMD विद्यालय, जो कि बच्चियों का बहुत बड़ा विद्यालय है, उसमें मैं गया था तो बच्चियों ने मांग रखी थी कि वहाँ उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए, ताकि बच्चियों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चियाँ भी हमारी प्राथमिकताएं हैं, उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है। खेल कूद करके ही बच्चियों का भी स्वास्थ्य अच्छा बनता है और ये एज ऐसी होती है जिसमें खेलने का समय भी मिल जाता है हमको, इसलिए हमने 10 लाख रुपए की लागत से वहाँ पाथवे और पाथवे के साथ ही बास्केटबॉल का कोर्ट बनवाया है। जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर संचालित होने वाला रोडवेज बस स्टैंड लंबे समय से बंद पड़ा है और बंद पड़े रोडवेज बस स्टैंड का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बड़गावा रोड पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड से यात्रा करने वाले यात्रियों को बसों की पूछताछ के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है। यात्री बस स्टैंड पर तो आ जाते हैं, मगर निराश होकर वापस जाना पड़ता है। दरअसल लंबे समय से संचालित होने वाला बस स्टैंड कई महीनों से बंद पड़ा है। इस बस स्टैंड से सैकड़ों बसें संचालित होती हैं। इसी बस स्टैंड से जालौर, सिरोही, बाड़मेर और गुजरात को जाने वाली बसें भी इसी बस स्टैंड से जाती हैं। ऐसे में कई गंभीर मामले भी होते हैं जिसमें लोग इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। यहाँ ना तो समय सारणी उपलब्ध है और ना ही कोई जानकारी यात्रियों को मिल पाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रानीवाड़ा निवासी, जिसमें केंद्रीय बस स्टैंड बड़गांव रोड पर बना हुआ है, जो नाकारा है, जिसमें
पानी की व्यवस्था नहीं है, टिकट खिड़की भी नहीं खुलती है, समय सारणी लगी हुई नहीं है, जिसमें यात्रीगण परेशान होते हैं, जिसमें आबू रोड सांचौर जोधपुर की ओर जाने वाली बसें बाहर से निकल जाती है, अंदर बैठे यात्रीगण उनका इंतजार करते हैं, जिससे बसें नहीं मिल पाती है और पूर्ण रूप से बस की सुविधा न होने के कारण यात्रियों को निजी बसों में सफर करना पड़ता है। बस में शाम ढलते ही बस स्टैंड के अंदर अंधेरा हो जाता है, जिस अंधेरा हो जाता है और पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान। भीमल उपखंड के रुचियार गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की छत पर गुजर रहे तार इन दिनों हादसे का सबब बन सकते हैं और विद्युत विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को नहीं हटाया जा रहा। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के इलाज के लिए बनाया हुआ स्वास्थ्य केंद्र लोगों की जान के साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकता है। जैसे जैसे गर्मी का दौर परवान पर है, विद्युत लाइनों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सामने आ रही है। ऐसे में भीमल के स्वास्थ्य भवन से ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से भी कोई बड़ी जनहानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों ने इस मामले में अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में आमजन के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विभाग लापरवाही के चलते किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के दुदही बाजार में दर्दनाक हुआ हादसा, स्कूल वैन को ट्रेन ने मारी टक्कर, 18 बच्चों की हुई मौत। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, दो पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता की ग्रहण, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पायलट ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर पुलिस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद का आतंकी भी मारा गया, एक जवान और पुलिस हवलदार हुए शहीद। और ममता कुलकर्णी की संपत्ति होगी कुर्क, एनडीपीएस की विशेष अदालत ने दिया आदेश, ममता पर मादक पदार्थ तस्करी के हैं आरोप। इस पर कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।